जरीबट का पुलिस थाना अंतर्गत एक मारपीट का मामला आगे आया है, जहां भोजन के बाद घर के सामने टहल रहे व्यक्ति को चार अज्ञात युवकों ने जान से मारने की कोशिश की है, जिससे स्थानीय क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, तो दूसरी ओर नागरिकों की सुरक्षा पर भी सवाल या निशान उपस्थित हो रहा है। संबंधित मामला कल रात को घटित हुआ, जब भोजन करने के बाद फिरियादी अपने ही घर के सामने टहल रहा था। इसी बीच चार अज्ञात युवक वहां पर आए और अचानक फिरियादी पर हमला बोल दिया। दरअसल कल रात 11 बजे के दौरान क्रिश्चियन कॉलोनी निवासी नैन्सी डेविड पटेल उम्र 29 वर्ष भोजन करने के बाद अपने पति और ननद के साथ घर के सामने टहल रही थी। इस दौरान बस्ती का ही 26 वर्षीय युवक शुभम कोटांकले और इसके दोस्त 25 वर्षीय प्रवीण चौहान, 24 वर्षीय प्रणय चौहान, 27 वर्षीय रोहित देश प्रताप, 26 वर्षीय पीयूष हरवानी, इनके द्वारा नैन्सी के पति डेविड पटेल पर हमला किया गया, जहां आरोपियों ने डेविड को लात घूसों से पीटते हुए अधमरा कर दिया। उसके बाद उसे चाकू घोंपकर गंभीर रूप से घायल किया। पुरानी रंजिश के चलते यह मामला घटित हुआ है, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन संबंधित मामले के बाद स्थानीय क्षेत्र में सुरक्षा इंतजाम पर सवालिया निशान उपस्थित हो रहा है। जरीपट का पुलिस द्वारा मामले की जांच कर आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और आगे की जांच जारी है, जिसके विषय में जानकारी दी पुलिस उप निरीक्षक प्रदीप काइट ने। पुलिस थाने जरीपट का यहाँ पर फिरियादी नैन्सी डेविड पटेल रहना मेकोसावा क्रिश्चियन कॉलोनी, इन्होंने तारीख 7/9/2023 को रिपोर्ट दिया है कि वह उनके पति डेविड पटेल इनके साथ और साथी परिवार के साथ क्रिश्चियन कॉलोनी मेकोसावा यहाँ पर खाना खाने के बाद टहल रहे थे। उस समय उन्हीं के बस्ती में रहने वाले शुभम कोटांगले, प्रवीण चौहान, प्रणय चौहान, रोहित देशभ्रता और पीयूष हिरवाने इन्होंने उनके साथ गाली गलौज कर मारपीट की और उसी में के आरोपी शुभम कोटांगले इसने उनके ऊपर चाकू से हमला कर उनको जबरी जख्मी किया। इस आधार पर जान से मारने की कोशिश की, इस आधार पर पुलिस थाने जरीपट का यहां पर अपराध क्रमांक 717/2023, धारा 307, 143, 144, 148, 147, 149, 342, 504, 506 भादवी अंतर्गत यह गुना दर्ज किया गया है। इस गुने में के जो भी आरोपी है इन सभी आरोपियों को ताबे में लिया है और अभी उनके साथ पूछताछ चालू है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।